हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा मिलने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें उन्होंने बताया कि आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने से पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और साथ ही योजनाओं की जाँच और निगरानी भी की जा सकेगी। अपना परिचय दें। मैं सत्येंद्र सिंह यादव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। सत्यन जी, हाल में ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, इससे क्या लाभ मिलेंगे? हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है, इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। अब आयोग पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाएं की निगरानी और जांच कर सकेगी, जिससे पारदर्शिता आएगी। इस आयोग में राज्यसभा द्वारा एक महिला सदस्य को अनिवार्य रूप से जोड़ना एक अच्छा प्रयास है, इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मैं अपनी ओर से और संगठन की ओर से धन्यवाद। झांसी से ये थी दीपक जौहरी की रिपोर्ट।